हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज की मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ MIUI 12 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर हर रोज MIUI 12 की ही बात करता हूँ। जो भी इसके लिए कोई अपडेट्स आते हैं, जो भी कुछ आता है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि आज है 13 तारीख, कल यानी कि 12 तारीख को एक आपको इवेंट आया था जिसमें Xiaomi की तरफ से आपको बताया जाने वाला था कि इंडिया के अंदर आपको अपडेट्स कब तक देखने को मिल जाएंगे। हालांकि उसके अंदर अपडेट्स कौन से डिवाइस को मिला वो भी मैं बात करूंगा। एंड एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस डिवाइस के अंदर अपडेट नहीं मिला है तो कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो और आपको इंडिया के अंदर स्टेबल अपडेट कब तक देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना। तो चलो यार, अभी कर लेते हैं वीडियो को शुरू। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि कल इंडिया के अंदर एक इवेंट हुआ था जो कि कोई रखने का फायदा नहीं था, बिकॉज उसके अंदर आपको यहाँ पे बताया गया था कि कौन से डिवाइस के अंदर MIUI 12 आएगा और बहुत कम यहाँ पे डिवाइसेस का नाम लिया गया था। उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि कब उनको अपडेट मिलेगा, लेकिन मेन बात ये था कि उनके बारे में ये बताया गया था कि MIUI 12 के अंदर आपको कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे फीचर्स बताए, लेकिन वो फीचर्स पहले ही कुछ बंदों ने यूट्यूब पे बता दिया गया था या फिर उसके फीचर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो फीचर पहले ही सभी ने दिखा दिए गए हैं और वही फीचर इन्होंने अभी जाके बताए हैं। तो इस इवेंट को रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, बिकॉज ये इवेंट भी आधे घंटे का था। एंड इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे रिलीज डेट या फिर आपको यहाँ पे अपडेट कौन से डिवाइस में मिलेगा वो कुछ डिवाइसिस के नाम लिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो एंड रेडमी नोट 9 सीरीज को ही यहाँ पे अपडेट मिलेगा, जो कि यहाँ पे दावा किया गया है कि अगस्त के अंदर ही आपको इसका सारा अपडेट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी तक ये भी नहीं बताया गया है कि आपको यह अपडेट बीटा टेस्टर्स को मिलेगा या फिर नॉर्मल यूजर्स को। तो भाई, मतलब इवेंट इन्होंने रखा है, मैं तो सीधा बोलूंगा कि इवेंट इनका कोई काम का नहीं था, बिकॉज सारा न्यूज़ तो हमें ही प्रोवाइड करना है, तो आपका इवेंट यहाँ पे क्या करने वाला है यार। खैर, अभी मैं बात करने वाला हूँ इसके सपोर्टेबल डिवाइस के बारे में और कौन से डिवाइस में आपको अपडेट मिलेगा अगस्त के अंदर, क्या हमें कोई अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, बिकॉज आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। खैर, अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन से डिवाइस को यहाँ पे अपडेट देखने को मिला है, कौन से डिवाइस को अपडेट आपको देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस निकल के आया है Mi 90 Pro को इंटरनेशनल ग्लोबल अपडेट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। MIUI 12 का स्टेबल अपडेट, जो कि अभी एक पार्शियल अपडेट है। मुझे नहीं पता कितने बार ये पार्शियल अपडेट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पार्शियल अपडेट आ रहा है और किसी भी डिवाइसेस को, ज़्यादा यूजर्स को ये अपडेट देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो अगला न्यूज़ निकल के ये आया है कि अगर आप यहाँ पे Redmi Note 7 के यूजर हो तो आपको यहाँ पे MIUI 12.0.1.0 का सपोर्ट मिल चुका है यूरोपियन वर्जन के अंदर। इसका मतलब ये भी है कि आपको यूरोप में अगर अपडेट मिल चुका है तो बहुत जल्द आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, आपको इसके बेस पे एक लाइक दे देना होगा वीडियो को। इसके अलावा आपको यहाँ पे Redmi Note 9 के अंदर एक नया अपडेट देखने को मिला है जिसका वर्जन है MIUI 12.0.3.0, जो कि एक पार्शियल अपडेट के तौर पे आपको अपडेट दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ कुछ डिवाइसेस के बारे में, जो भी अगले डिवाइसेस या फिर कुछ डिवाइसेस रह रहे हैं। एंड अभी मैं बात करने वाला हूँ ऑफिशियल न्यूज़ के बारे में, जो कि Xiaomi की तरफ से एकदम ऑफिशियल आया है। यहाँ पे बताया गया कि Redmi K20 Pro को इंडियन वेरियंट के अंदर स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है, जो कि एकदम स्टेबल है। ऑफिशियल अपडेट आपको मिल चुका है। उसके अलावा आपको Redmi Note 9 के अंदर भी एक नया अपडेट देखने को मिल चुका है, जो कि पब्लिक यूजर्स को देखने को मिल चुका होगा। इसके अलावा Redmi Note 9 और Note 9 Pro Max के बारे में हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन एक न्यूज़ आया है। अगर आप यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के यूज़र हो तो आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे पार्शियल अपडेट का अपडेट मिल चुका है, पार्शियल अपडेट मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे फुल रोलिंग आउट होने में टाइम लग सकता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और इसका जो अपडेट है आपको अगस्त के लास्ट तक देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप अगर Redmi Note 7 Pro के यूज़र हो तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगस्त के लास्ट में सभी को अपडेट मिलेगा, पब्लिक यूजर्स को। उसके अलावा यहाँ पे Redmi Note 7 Note 7 S के यूजर हो तो आपको भी यहाँ पे अगस्त के लास्ट में ही अपडेट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप यहाँ पे Mi 10 के यूजर हो, वो भी आपको अगस्त के लास्ट में ही मिलेगा। उसके अलावा Redmi Note 8 के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। तो आज की न्यूज में इतना यार, मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।